छापरा त्रिवेणी धाम स्थित प्रजापति धर्मशाला में मंगलवार को श्रीयादेव प्रजापति सामूहिक विवाह समिति की ओर से नवम सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें चार जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इससे पूर्व श्रीयादेव माता मंदिर के महंत प्रहलाद दास जी महाराज ने श्रीयादेव माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। गुर्जर धर्मशाला में सियाणा कार्यक्रम के बाद बारात निकाली गई। प्रजापति धर्मशाला में तोरण रस्म व वरमाला की रस्म हुई। इसके बाद पणिग्रहण संस्कार करवाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक आलोक बेनीवाल ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलनों के माध्यम से समाज में एकजुटता के संदेश के साथ साथ अमीर गरीब का भेद भी मिटता है। उन्होंने प्रजापति समाज के लिए हर संभव सहयोग के लिए तत्पर रहने का भरोसा दिलाया। समारोह को छापरा प्रधान मंजू देवी शर्मा, मरोरपुर सरपंच सुनीता श्याम सुंदर प्रजापति, पालड़ी सरपंच किशोर कुमार, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भोमराज कुमावत, गोकुल प्रजापति, कंपाउंडर ओम प्रकाश प्रजापत, विकास समिति अध्यक्ष बाबूलाल चोमू, छात्रावास समिति अध्यक्ष गोपाल खाटुवाल, प्रजापति जागृति मंच विराटनगर अध्यक्ष नारायणपुर समिति के राजू आदि ने संबोधित करते हुए समाज के उत्थान पर बल दिया। समिति अध्यक्ष लीलाराम अमरसर, सूबे सिंह, गोपाल कुमार, पूर्व अध्यक्ष जमनालाल सहित कई समिति पदाधिकारियों ने अतिथियों का माल्यार्पण व साफा पहनाकर सम्मान किया। समारोह के दौरान सैकड़ों लोगों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। वर वधु को इस दौरान भेंट किए गए अनेक उपहार स्वरूप सामान। समारोह के दौरान अतिथियों ने नवविवाहित चार जोड़ों को समिति की ओर से श्रीयादेव माता चित्र भेंट किया। इसके बाद नवविवाहित जोड़ों ने श्रीयादेव माता मंदिर में धोक लगाई। समिति की ओर से वर वधु को उपहार स्वरूप अलमारी, सिलाई मशीन, एलईडी टीवी, बर्तन, बक्सा, बेड, आभूषण आदि सामान भेंट किया। कई भामाशाओं ने भी दिल खोलकर वर वधु को उपहार भेंट किए।